अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने बिजनेस इंटेलिजेंस ट्रैक का सेवन्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने इन कीवर्ड, बिटवीन कीवर्ड और ऑर्डरिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं कुछ नए फंक्शन से, लाइक टॉप, ऑफसेट, फेच। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप, टॉप को हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमें चाहिए कि लाइक हमें टॉप 10 रोज़ चाहिए बेस्ड ऑन सम लाइक लिस्ट प्राइस, अगर हम चाहते हैं कि हमें पहले 10 रिकॉर्ड मिलें जिनकी, पहले 10 प्रोडक्ट्स मिलें जिनकी प्राइस सबसे हाई है, तो इसको यूज़ करने का तरीकेकार क्या होगा। क्यूरी लिखते हैं कि सेलेक्ट टॉप 10। ठीक है, आगे हमने स्टॉप डाल दिया और फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट, ये हमें टॉप 10 प्रोडक्ट्स दे देगा, रैंडम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 10 रोज हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमें वो वाली प्रोडक्ट्स, वो वाली टॉप 10 प्रोडक्ट्स दिखाए जिसकी लिस्ट प्राइस सबसे ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लास लगा देंगे, ऑर्डर बाय लिस्ट प्राइस और डिसेंडिंग, क्योंकि हमें जो हाईएस्ट, जो जिसकी प्राइस है वो हमें चाहिए। ठीक है, पहले हम अगर यहाँ से देखें तो, अगर लिस्ट प्राइस में आपको यहाँ से देखा तो पहले कौन सी नज़र आ रही है, ये ज़ीरो ज़ीरो वाली, सारी सारी ज़ीरो वाली है। ठीक है, अगर हम इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब क्या होगा, अब आप देखें लिस्ट प्राइस सबसे पहले जो हाईएस्ट है वो, फिर उसके बाद लो जो प्राइस है वो हमें तरतीबवार दिखाई जा रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है इसके अंदर, ये सबसे पहले क्या करता है, ये इसको ऑर्डर में ले आता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में ला के उसके बाद हम 10 जो प्रोडक्ट्स हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर मिनट्स को कहता हूँ कि टॉप 10 को मैं रहने देता हूँ और मैं सिलेक्ट स्टेरी कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा जो लिस्ट प्राइस है वो 3578 ही होगी, फिर भी इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, लिस्ट प्राइस सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लिस्ट प्राइस डिसेंडिंग, सॉरी ये ऊपर वाले जो क्यूरी है उसका रिजल्ट आ रहा है, हम नीचे वाले को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या 3578 आ गया। ठीक है, अगर और ये हमें मिली है 504, लेकिन हमें तो सिर्फ 10 चाहिए। ठीक है, तो इसको 10, इसको अगर आप 5 कह दोगे तो आपको 5 मिल जाएंगी। ठीक है, टॉप 5। ठीक है, इसको किया और ये एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो हमें 5 प्रोडक्ट्स मिल गई जिनकी प्राइस सबसे हाई है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मैं टॉप 10 कर देता हूँ यहाँ पे, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, टॉप 10 किया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, अब आप देखें लिस्ट प्राइस जो यहाँ पे आ रही है, सबसे लास्ट प्राइस आ रही है 3374। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास, क्योंकि ये तो हमने खुद स्पेसिफाई किया था कि हमें 10 प्रोडक्ट्स इसकी चाहिए, हम इस तरह की कंडीशन पैदा होती है कि हम ये चाहते हैं कि जो वैल्यू हमारी लास्ट प्रोडक्ट की हो उस प्राइस के रेंज में जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हों वो भी उसको ले आए, लाइक लास्ट प्राइस यहाँ पे कौन सी आ रही है, लास्ट प्रोडक्ट की जो प्राइस है यहाँ पे आ रही है 3374। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट्स भी मिल जाएं, सारी प्रोडक्ट्स
जो जिनकी प्राइस 3374 हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें नहीं पता कि वो चार प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, या पांच हैं, या दो हैं, या तीन हैं, जिनकी जिनकी प्राइस इतनी है, ठीक है। और अब हमें डायनेमिकली उसको गेट करना है, ठीक है, ख्वाब वो तीन हो, पांच हो, या सात हो, ठीक है। उसका तरीक़ेकार क्या होगा? उसका तरीक़ेकार ये होगा कि मैं इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट किया, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे टॉप 10 और विथ टाइज, और स्टार, ठीक है। अब हमने ये एक विथ टाइज ये कीवर्ड यूज़ किया, ये क्या करेगा कि लास्ट जो रो में जो हमने जो ऑर्डर बाय जो जो चीज़ लगाई है वो क्या है, लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो जो जो लास्ट प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी उसे उससे मिलती उससे उससे मैच करती हुई जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें शो करेगा, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखें, पहले जो प्रोडक्ट्स वो कौन सी थी, हम दोबारा देख लेते हैं। वो थी 3374, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ। अब आप देखें, लास्ट प्राइस, लास्ट जो प्रोडक्ट थी उसकी वैल्यू थी लिस्ट प्राइस 3374, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो जो जितनी मौजूद थी वो हैं तीन और हैं, ठीक है। तो ये तीन और आ गया, अगर ये पांच होती तो पांच आ जाती, सात होती तो सात आ जाती, ठीक है। तो ये एक तरीक़ेकार है विथ टाइज को यूज़ करते हुए, ठीक है, ये चीज़ें होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि हमने बता दिया कि हमें 10 प्रोडक्ट्स चाहिए या पांच चाहिए, तो हमने उस हिसाब से लिखते गए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज मैं बड़ा कर लूँ, 120, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब ये तो था कि हमें इस चीज़ का पता, हमने लिख दिया कि सिलेक्ट टॉप 10 या टॉप 5, तो हमें उतनी प्रोडक्ट्स हमें मिल गई। अगर मैं चाहता हूँ कि जो टॉप 10 जो पहली 10 प्रोडक्ट्स हों वो मुझे ना दिखाए, बल्कि उसके बाद से वो मुझे दिखाना शुरू करे, ठीक है। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो है ऑफसेट फेच, ठीक है। तो इसका तरीक़ेकार कैसे, इसको लिखेंगे, सिंटेक्स क्या होगा इसका, इसको हम देखते हैं। मैं पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिलेक्ट स्टेरिक, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट और ऑर्डर बाय लिस्ट प्राइस डिसेंडिंग, ठीक है। ऑर्डर बाय जो क्लॉज है इसके लिए मस्ट है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि ये है ऑफ सेट फैच, ठीक है। इसे हमें यूज़ करना है, तो क्या करेंगे, ऑफ सेट, इसको हम लिखेंगे लाइक जो पहली जो 10 है, 10 जो प्रोडक्ट्स हैं हाईएस्ट प्रोडक्ट्स, उसको छोड़ दो, उसको स्किप कर दो। अब ऑफसेट का क्या मतलब है, स्किप कर दो, ठीक है। तो रोज ऑफसेट 10 रोज, कि 10 रोज को आप स्किप कर दो, और कितनी लेके आओ, मैं लिखता हूँ फेच नेक्स्ट, फेच नेक्स्ट, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ 20, 20 रोज ओनली, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो पहली आप देखें यहाँ पे कि जो पहली 10 रोज हैं, लाइक इसकी वैल्यू 3578, यहाँ तक ये आ रही है, ये कितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास, पांच हैं, ठीक है। तो
मतलब कि इसके बाद से वो चीज़ें शुरू करेगा लेना, मतलब कि फिर उसके बाद ये पांच ये भी गिन लें, एक तो 3 4 5, ठीक है। तो मतलब कि 33 37 से वो नीचे वाली जो प्रोड्यूस होंगी वो हमें मिलेंगी, ठीक है। ये देखें मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें आप 33 74, मतलब कि जो पहली जो 10 रोज़ थी उसके बाद से हमें वैल्यूज़ मिलना शुरू हुई है, ठीक है। ऑफसेट का मतलब कि हमने इसको स्किप कर दिया, और उसके बाद हमने 20 रोज़ को लेना है, ठीक है। और इसके अंदर जो ऑफसेट है, ऑफसेट हमेशा कंपलसरी होगा, और जो फेच है ये हमारे पास कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से, इसको हम अगर लिखना चाहें, मैं इसको क्या करेंगे, इसको हम चेक कर सकते हैं। इसको कॉपी किया और मैंने फिर इसको ऊपर जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऑफसेट मैं इसको कहता हूँ कि 100 रोज़, जो 100 रोज़ हैं उसको आप स्किप कर दो और बाकी सारी चीज़ें मुझे दिखाओ, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, तो आपको आपको देखा होगा आपने कि हमारे पास टोटल जो रोज़ थी वो थी 504, ठीक है। जब मैंने इसको कहा कि ये जो लाइक मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्किप 100 रोज़, ठीक है, फर्स्ट जो फर्स्ट लाइक यहाँ मैं कहूँगा कि जो स्किप टॉप 100 रोज़, इसके वो स्किप कर देगा। और हमें जो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमें वैल्यूज़ मिल रही है, जो हमें टोटल नंबर ऑफ रोज़ मिल रही है वो है 404, क्योंकि हमने 100 रोज़ को स्किप कर दिए, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम इसके अंदर एक और चीज़, एक और तरीक़ेकार ये है कि हम इसे मैं ऊपर वाली को कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस क्यूरी को कॉपी किया, और आपको एक और कीवर्ड मैं बताता हूँ इसमें, इसको मैंने पेस्ट किया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने उसे कहा कि ऑफसेट 0, ठीक है, ऑफसेट 0 रोज़, और फेच फेच क्या करे ये नेक्स्ट की जगह मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं लिख दूँ कि फर्स्ट फर्स्ट 20 रोज़, ठीक है। तो वो मुझे क्या करेगा, अब वो स्किप कुछ नहीं कर रहा, अब वो मुझे जो टॉप जो 20 रोज़ हैं वो मुझे वो दिखा देगा, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें अब मेरे पास 20 रोज़ आ गई, और आपने वो देख ली वैल्यूज 35 78, जो ये मुझे हमारी हाईएस्ट वैल्यू होती, ठीक है। तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ बेशक आप फर्स्ट भी कर लें और नेक्स्ट भी कर लें, ये दोनों जो कीवर्ड हैं ये इंटरचेंजेबल हैं, सही हो गया। आपको फेच और इसके साथ ऑफसेट ये दोनों मैंने समझा दिए, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा और एग्रीगेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एग्रीगेशन को हमने किस तरह यूज़ करना है। एग्रीगेशन को यूज़ करने के लिए हम अपनी बेसिक क्यूरी, एक पहले वाली, हम ऐसा करते हैं कि ये मैंने कॉपी करता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट, और मैंने यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ कि ये हमारा ग्रुपिंग एग्रीगेशन, ठीक है। ये हम अब इस टॉपिक पे थोड़ा काम करते हैं, मैं इस पे लिखता हूँ, इसको मैंने पेस्ट किया, मैं कर कहता हूँ कि जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं ये करता हूँ कि सिलेक्ट स्टेरिक, ठीक है, सॉरी स्टेरिक, और मैंने इसको रन कर दिया। अब क्या हुआ, मेरे पास जो टोटल नंबर रोज़ आई है वो है 504। अब मैं पूरा का पूरा डेटा मैं देखना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एग्रीगेट करना चाहता हूँ, काउंट करना चाहता हूँ कि ये टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, ठीक है। तो उसका तरीके का क्या होगा, मैं सिंपल लिख दूंगा कि
काउंट 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 एक फंक्शन है जो उसको काउंट करेगा, और स्टार का मतलब सेट, जैसे मतलब कि सब की सब जो रोज हैं, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे 504 आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि कलर, जो जो प्रोडक्ट्स जो जो कलर थे वो मैं कहता हूँ कलर काउंट स्टार, ठीक है। कि नंबर ऑफ कलर हमारे पास हैं कितने, कि नंबर ऑफ ब्लैक कलर कितने हैं, रेड कलर कितने हैं, ये हमने देखना हो कि जो जो प्रोडक्ट्स जिनके डिफरेंट किस्म के कलर हैं उनकी काउंटिंग अगर हमने करनी हो तो कैसे करेंगे। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो ये कलर कॉलम है ये इनवैलिड है, क्योंकि ये ना तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर है, ये एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, और ना ना तो ये इस फंक्शन के अंदर है और ना ये ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर है, ठीक है। तो ग्रुप बाय क्लॉज को कैसे लिखेंगे हम, ग्रुप बाय, यानी यहाँ पे इसको कलर को दे दिया, ठीक है। कि जिस प्रोडक्ट को आप उसकी ग्रुपिंग देखना चाहते हो आप उसको ग्रुप बाय में लिख लोगे, ठीक है। मैंने इसको किया, अब ये देखें हमारे पास कलर्स आ गए, ब्लैक आ गया, ब्लैक 93 टाइम, ये ब्लैक है, फिर ब्लू है, फिर हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 93 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका कलर ब्लैक है। उस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट स्टेरिक, सिलेक्ट सेल फ्रॉम वेयर, मैं कहता हूँ कलर इज इक्वल टू ब्लैक, ये मैं कहता हूँ। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 93 आनी चाहिए, ठीक है। ये हम वेरीफाई कर लेते हैं, ये देखें ये 93 है, ठीक है, और ये कलर सारे के सारा ब्लैक है, ठीक है। ग्रुपिंग को हम ऐसे यूज़ करते हैं किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हुए, और फिर बाद में उसको, और जिस एट्रीब्यूट को हम देखना चाहें, जिस कॉलम को देखना है, उसको हम ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी एग्जांपल को थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें हम एक और लिखते हैं क्यूरी के सिलेक्ट कस्टमर आईडी, पहले मैं इसको स्टार कर लेता हूँ ताकि हमें कॉलम मिल जाए आराम से, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर हेडर, सेल्स ऑर्डर हेडर, ठीक है। ये लिखा, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी चीज़ें। हम मैं ये कहता हूँ कि कस्टमर आईडी, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि काउंट सेल्स, काउंट किया सेल्स पर्सन आईडी, सेल पर्सन आईडी हमने लिख ली यहाँ पे, कि एक कस्टमर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी सेल पर्सन आईडी है, ठीक है। और अब देखें सेल पर्सन आईडी को हमने एग्रीगेट फंक्शन के अंदर रख लिया, अब कस्टमर आईडी बाहर है तो उसको हम ग्रुप में ग्रुपिंग में डाल देते हैं, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, ठीक है, ये चीज़ हमने डाल दी। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें कस्टमर आईडी हैं कुछ, बाकी उसके अंदर जो बहुत सारे कस्टमर आईडी ऐसे हैं जहाँ पे जो सेल पर्सन आईडी है वो नंबर ऑफ सेल पर्सन वो 0 है, यहाँ पे इस
कस्टमर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग 4 हैं, फिर किसके 0 हैं, और इसी तरह डिफरेंट हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि मैं एक यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाता हूँ। ठीक है, वेयर कहता हूँ कि कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 2948484। ठीक है, ये मैंने की, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, इस फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास 7 आ रहा है, 7। ठीक है, कि ये नंबर, ये जो हमारे पास इस कस्टमर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल पर्सन है वो 7 है। और होता ये है कि ये जो काउंट फंक्शन है, ये नंबर ऑफ यूनिक जो वैल्यूज उसको वो नहीं काउंट करता, बल्कि ये कंप्लीट रोज को काउंट करता है। तो हमारे पास जो सेल पर्सन आईडी थी, वो हमारे पास अभी 7 दफ़ा मतलब कि आ रही है, वो डुप्लीकेट है, और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ये काउंट करता जा रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो डुप्लीकेट ना हो, बल्कि यूनिकली उसको काउंट करे, ठीक है, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो क्या होगा, इसको हम करेंगे डिस्टिंक्ट सेल पर्सन आईडी। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें ये 1 टाइम आया है। ठीक है, इसको इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। उसको तरीकेकार क्या होगा वेरीफाई करने का कि ये वाकई डुप्लीकेट था भी या नहीं। ठीक है, कॉपी किया, और मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ कि वेरीफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट किया मैंने, और कस्टमर आईडी हो गया, और मैं ये अब ये ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये सेल पर्सन और ये वाली चीज़ें ख़त्म कर दी, और ये हमारे पास, अब हम देखते हैं इस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट ये वाला जो पर्सन आईडी है, इसकी जो सेल पर्सन आईडी है ये सेम रहती है या ये यूनिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आप देखें सेल पर्सन आईडी जो है वो 279 है, 7 टाइम। ठीक है, तो अब हम ये देखना हो कि कस्टमर आईडी, ये जो 29848 जो हमारे पास कस्टमर आईडी था, इसके अगेंस्ट जो कितने सेल पर्सन हैं, तो वो हमें, हमारी जो पहली क्यूरी थी वो हमें 7 दिखा रही थी, जो कि गलत था। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपके डेटे में काफ़ी डुप्लीकेशन है, तो आपको डिस्टिंक्ट यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, जैसे हमने ये किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हाउ टू फिक्स। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट सेल पर्सन आईडी, उसमें हमें जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें यूनिकली, ये एक दफ़ा आना चाहिए, तो ये एक दफ़ा ही मौजूद था, और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम ये करते हैं कि इसके हम ग्रुपिंग के हम सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा कि मैं दोबारा इस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और अब मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कस्टमर आईडी ये थी, उसके बाद मैं कहता हूँ कि शिपमेंट मैंने यहाँ पर डाला, या चलो हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसके सिंपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि
मैं इसका प्रोडक्ट वाली टेबल ले लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये ली। और यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि मॉडल आईडी, ठीक है, कॉमा कलर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट, ठीक है, और इसमें मैं डाल देता हूँ नेम, नेम डाल दिए जो हमारी प्रोडक्ट का जो नेम था। और अब ये दो चीज़ें इसको हम देखो, फिलहाल अगर मैं इसको वैसे ही एग्जीक्यूट कर दूँ, ठीक है, तो आपको पता है ये एरर देगा। अब ये एरर दे रहा है, पहले पहले इसने रीड किया प्रोडक्ट आईडी को, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट आईडी को लिख लिया, वो कहता है उसे एग्रीगेट फंक्शन में नहीं है या ग्रुप बाय में नहीं है, तो इसको मैं ग्रुप बाय में डाल दिया, ठीक है। तो मैंने इसको ये कंट्रोल शट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्या होगा, दोबारा एरर आना चाहिए, ठीक है, फिर एरर आया। अब वो कहता है कि कलर, अब उसने दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट किया, वहाँ इसको रीड किया तो कलर भी ग्रुप बाय में नहीं था, ठीक है, तो इसको मैंने कॉमा ग्रुप बाय में डाल दिया, ठीक है, अब ये चलेगा, ठीक। इसको कोशिश करते हैं, इसको हमने चलाया, अब देखें, अब ये ग्रुपिंग वाइज ये चीज़ें आ गई हैं। अब पहले मॉडल के हिसाब से ग्रुपिंग है, फिर कलर के हिसाब से, इसको हम देख लेते हैं कुछ कुछ रीजनेबल हमें डेटा मिल जाए यहाँ पे, जो इंफॉर्मेशन है नल वैल्यूज़ के अलावा। अच्छा, ये देखें, ये मॉडल आईडी 13 है क्योंकि ये ग्रुप में है, ठीक है, और 13 के अंदर जो जो ब्लैक कलर की प्रोडक्ट्स हैं वो 4 हैं, ठीक है, प्रोडक्ट जिसका मॉडल 14 है उसके अंदर ब्लैक कलर की प्रोडक्ट्स 3 है, ठीक है, इस तरह हम आगे चलते जाएं। तो ये देखें 30, उसके अंदर जो रेड प्रोडक्ट है और उसमें मतलब के उसके अंदर 6 प्रोडक्ट्स हैं वो रेड कलर की, ठीक है। तो इस तरह आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ़ किस्म की हायरार्कीज आप बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे अगर हम ये यूज़ करें कि ग्रुप है वेयर वेयर मैं कहता हूँ कि कलर इज नॉट नल, सॉरी इसको हमने रुपए से पहले लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, वह हमारे पास जो नल वैल्यूज थी वो एलिमिनेट हो गई हैं, कलर वाली जो अब पहले जो कलर में जो जो हमारे पास नल कलर आ रहे थे अब वो सारे के सारे रिमूव हो गए, ठीक है। तो आपने अगर वेयर कलर वेयर क्लॉज अगर आपने यूज़ करनी हो तो आप ग्रुप बाय से पहले यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये चीज़ अगर हम एक और क्यूरी यहाँ पे लिखते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे हम काउंट नेम दे रहे थे, ठीक है, ये वाली चीज़, अगर हम इसको ये चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, चलो मैं इसको ना एक क्यूरी इसकी मैं लिख लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स जिनका काउंट जो है
जिस तरह हमारे पास यहाँ पे काउंट आ रहा है ना, ये 5 4 3 1, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वेयर काउंट नेम जिनका फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 4 से ज़्यादा हो, ठीक है, उनको वो फिल्टर आउट करें। अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा, ठीक है। क्या कहेगा कि या तो इसको इसके लिए सब क्यूरी या ये हैविंग क्लॉज वगैरह यूज़ करें। इसने हमें हिंट दे दिया कि हैविंग क्लॉज यूज़ करें, आप यहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो ग्रुपिंग है वो बाद में हो रही है और पहले आप एग्रीगेट फंक्शन वेयर क्लॉज में यूज़ कर रहे हो, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो है हैविंग, ठीक है। तो हैविंग के बारे में और थोड़े और जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन के बारे में हम आइंदा लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।